नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा करेगी किसानों के हित में एक पखवाड़ा। भारत सरकार के मिशन को बढ़ावा देने के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लिए किसान पखवाड़े का आयोजन करने जा रही है। सोमवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान अंचल के महाप्रबंधक ने बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष भी 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक लगभग 2,40,817 किसानों को लाभ मिलेगा। यह किसान पखवाड़ा भारत वर्ष की सभी ब्रांचों में लगाया जा रहा है। इसमें किसानों को उनके हितों में तमाम योजनाएं प्रदान की जाएंगी। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए अंचल प्रमुख सतीश कुमार अग्रवाल ने बताया, जो किसानों के लिए जो हम लोगों ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिससे कि हम लोग जो है किसानों से हम किस तरीके से दूसरों को प्रगाढ़ करें, हम किस तरीके से वहाँ उन तक हम अपने सारे प्रोडक्ट को पहुँचाएं और किस तरीके से उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के साथ में जोड़ के उनकी हेल्प कर पाएँ, हम उसके पीछे मकसद ये है। और हमने इसी क्रम में ये तय किया है कि जो हमारा मेरठ अंचल जो है, मेरठ अंचल में 41 जो है हम ट्रेड कैंप करें, जिसमें कि उनसे उन सभी किसानों से हम लोग जो है एक रूबरू हो पाए। और साथ ही साथ 1,142 चौपाल जो कि हमारी विभिन्न शाखाएं हैं, उन शाखा के द्वारा क्लस्टर के रूप में की जाएंगी, जिससे कि जो है अपने सभी फार्मर से, उस क्षेत्र के फार्मर से हम उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें और उनकी ज़रूरतों को समझें। और उन ज़रूरतों को समझ के अगर उनके और कहीं इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है उन सारी स्कीमों में हमारे, तो उसको भी हम करवाएं। जो पुराने वक्त में ये बरेली अंचल के नाम से था, लेकिन अभी इसका नाम थोड़ा सा टॉप मैनेजमेंट ने इसको बदला है और इसको मेरठ अंचल कर दिया गया है। और मेरठ अंचल में जो है हमारे 8 जो है वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें कि बरेली भी एक क्षेत्र है, जिसमें बरेली क्षेत्र में 2 जिले हैं, एक बरेली का जिला और एक पीलीभीत का जिला, ये दोनों जिले। किसानों के लिए जो है हम जो भी हमारे कैंप लगेंगे, जो भी हमारी चौपाल लगेंगी, उसमें जो है हम चाहते हैं कि उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हैं किसानों के, और उनके स्वास्थ्य का परीक्षण हम फ्री में करने के लिए हम दृढ़ संकल्प हैं। और साथ ही साथ जो है जो उनका पशुधन है, पशुधन भी मैं समझता हूँ उनकी भी स्वास्थ्य का परीक्षण होना चाहिए, उनकी भी जो समस्याएं हैं उनका निदान होना चाहिए। और साथ ही साथ मृदा, जो कि अपने आप में एक, मैं तो मानता हूँ कि ये भी मनुष्य की तरह एक जीवित वो है, और इसमें भी जो है उनका मृदा का परीक्षण होना चाहिए और उसमें जो कुछ भी जो कमियाँ हैं उनको हम पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। एनसीसी के विद्यार्थियों ने एसएसपी से की शिकायत। मीरगंज पीजी कॉलेज के थर्ड ईयर के विद्यार्थियों ने एनसीसी में भर्ती होने के लिए फिजिकल और रिटन टेस्ट भी दिया था, जिसमें वे सभी पास हो गए थे, लेकिन कॉलेज के एनसीसी इंचार्ज एसपी सिंह ने पास हुए बच्चों से एनसीसी में प्रवेश नहीं देने के लिए अपनी एक हट बांध ली थी, जिसको लेकर कॉलेज प्रबंधन से छात्रों ने शिकायत भी की, लेकिन कोई भी हल नहीं मिला। इसके बाद मामले की शिकायत लेकर वे मीरगंज एसडीएम के पास पहुंचे, जहां पर भी उनकी मांग पर कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जिसको लेकर सोमवार को कॉलेज के 18 विद्यार्थी एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने एनसीसी इंचार्ज एसपी सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा, तो सर ने मेरा फिजिकल भी फर्स्ट नंबर पे निकला था, मेरा पेपर भी अच्छा गया था और 18 लड़कियों ने फिजिकल निकाला था, उसमें तो सर ने एक भी लड़की का नाम नहीं आया है। और सर ने मुझसे कहा, मैंने सर से कहा सर मेरा नाम क्यों नहीं आया, सर बोले बार बार मिलते रहो। फिर अकेले में मैं मिली तो सर ने मुझसे पैसों की बात की, मैं बहुत गरीब घर से नहीं दे पाई। उसके बाद मैंने प्रिंसिपल सर के पास गई, प्रिंसिपल सर ने कहा इसके बारे में हम कुछ नहीं जाने, जो कुछ भी जाने एस के सर जाने। फिर मैंने एसडीएम को भी दी, वो उन्होंने भी जांच के लिए मतलब प्रिंसिपल को कहा, तो प्रिंसिपल सर ने कोई जाँच नहीं करवाई, अपनी तरफ से अपने ही लोगों से करवाई, उसमें हमारी कोई बात नहीं रखी। चिन्मयानंद प्रकरण में छात्रा की गिरफ्तारी का कांग्रेसियों ने हाईवे पर किया जमकर विरोध। साजापुर में चिन्मयानंद प्रकरण काफी समय से चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें चिन्मयानंद को न्यायिक हिरासत से जेल भेज दिया गया। उसके बाद पीड़िता को पैसे मांगने की वीडियो एक वायरल हुई थी, जिसके बाद पीड़िता को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जिसका कांग्रेसियों ने पुरजोर विरोध किया है।
जिसके संबंध में सोमवार को बरेली से कांग्रेसी बस के द्वारा शाहजहांपुर के लिए रवाना हुए थे। वो बरेली से नकटिया ही पहुंचे थे कि तभी पुलिस ने कांग्रेसियों की बस रोककर उन्हें जबरन बस से उतार दिया। इस पर गुस्साए कांग्रेसियों ने सड़क पर ही बैठकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बारे में कांग्रेसी नेता अजय शुक्ला ने कहा, हम लोग आज शाहजहांपुर जा रहे थे, हमारे जो जिस तरीके से रेप पीड़िता को जिसे बाहर होना चाहिए वो जेल में है और जिसने रेप किया है वो आज एसी में लेटा हुआ है। आज कितनी बड़ी भयानक, पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपके चैनल को, कि आपके चैनल ने कम से कम हम लोग को आके बात सुनी। कोई चैनल, कोई प्रिंट मीडिया, कोई भी हम लोग का साथ नहीं दे रहा है। आप देखिए जिस तरीके 376 सी लगाई गई है चिन्मयानंद पे, जिसमें 3 साल 5 साल की सजा है, और 164 के बयान होने के बाद ये पहली बार हम इंडिया में हुआ है कि जिस तरीके से ये घोर तरीके से इन्होंने गड़बड़ किया है। आज कांग्रेस पार्टी एक है और आज जिस जुल्म को जो करा गया है बीजेपी के लोगों के द्वारा, इसको जुल्म को ढाने के लिए हम लोग आज शाहजहांपुर जा रहे थे, मगर रास्ते में रोक लिया पुलिस प्रशासन ने। मगर हम लोग का निगाह और दिशा हम लोग की शाहजहांपुर में है कि जब तक पीड़िता को न्याय नहीं दिलाएंगे तब तक कांग्रेस जन चैन से नहीं बैठेंगे। आगे नहीं जाने के लिए तो क्या करेंगे? बिल्कुल हम लोग हड़ताल करेंगे, हम लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर और हम लोग जाम रोड जाम करके तब मानेंगे। खुशहाली फाउंडेशन किसानों का करेगी सम्मेलन, बाटे की फलदार पौधे। खुशहाली फाउंडेशन सामाजिक संस्था पिछले कई वर्षों से गरीब व बेसहारा बच्चों के उत्थान के लिए बस सड़क के किनारे 167 गरीब लोहार बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान कर रही है। साथ ही गांव-गांव जाकर समय समय पर पौधे वितरण कार्यक्रम करती आ रही है। गांव में रहने वाले लोगों के लिए मेडिकल वैन से निशुल्क चेकअप और निशुल्क मेडिसिन भी देती आती है। खुशहाली फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताया कि 2 अक्टूबर को एमजेपी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में एक किसान के हितों में सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें नवाबगंज क्षेत्र के 120 गाँव के 6000 किसानों को 66,000 पौधों का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट वृंदावन के पूज्य महाराज विषय कौशल जी रहेंगे। मुख्य वक्ता के तौर पर डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी वहां शिरकत करेंगे। अतिथि के रूप में आईबीआरआई के निदेशक भी शिरकत करेंगे। इस मौके पर संस्था के सचिव अजय यादव, कोषाध्यक्ष अनुज अग्रवाल, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, वीरेंद्र अटल आदि मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम की जानकारी देते हुए अजय यादव ने बताया, मेरा नाम अजय है भैया, मैं खुशहाली फाउंडेशन का महासचिव। 2 अक्टूबर को हम एक कार्यक्रम करने वाले हैं जिसमें गांव 135 गांव के करीब 6000 किसानों को आमंत्रित किया गया है और इन किसानों को फलदार पौधे इस कार्यक्रम के अंतर्गत दिए जाएंगे। ये सारे फलदार पौधे हैं जिसमें कटहल है, शहतूत है, लीची है, फालसा है, शरीफा है, और ये फलदार पौधे वो अपने गांव में घर आंगन में लगाएंगे और पर्यावरण साथ ही साथ पोषण युक्त फलदार फल, तीसरा बिना किसी कीमत के शुद्ध फल मिलना, ये तीन उद्देश्य के तहत ये वृक्ष मित्र ग्राम खुशहाली फाउंडेशन पिछले 7-8 सालों से चला रहा है, जिसके अंतर्गत अब तक हम कुल 7 लाख से ऊपर फलदार पौधे किसान परिवारों को सौंप चुके हैं।
यूपी जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ ने बीएसए ऑफिस में किया धरना प्रदर्शन। यूपी सरकार द्वारा बेसिक विभाग में प्रेरणा ऐप की लॉन्चिंग के बाद से ही लगातार विरोध प्रदर्शन होता चला आ रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इससे प्रदेश के स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था तो चरमराई है ही, साथ ही टीचर लोग भी हलकान हैं। सोमवार को यूपी जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ ने 16 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर हमला बोला, जिसका मुख्य मांग ये थी कि प्रेरणा ऐप को हटाया जाए, जिसको लेकर वहां टीचरों ने जमकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। इस बारे में प्रेरणा ऐप का विरोध कर रहे शिक्षकों ने बताया, इस प्रेरणा ऐप में ज़्यादातर सारी खामियां ही खामियां हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पष्ट निर्देश ऐसा नहीं दिया गया है कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है। हम शिक्षक तो वैसे ही ईमानदार हैं, अपने टाइम से आते हैं, टाइम से जाते हैं, लेकिन इस तरीके से हमको घेराबंदी करके समाज की नज़रों में और देश की नज़रों में और हर तरह से हमको बदनाम करने की कोशिश हो रही है। लेट के क्योंकि जब मेरी पोस्टिंग हुई थी मैंने इसी तरीके से करवा पाई है कि मैंने शिक्षा मंत्री के, मैंने स्पोर्ट्स खेल मंत्री के घर के आगे मैं खुद लेटी थी। एक सचिवाला जवारी मेरी मैडम है, यहाँ कहीं होंगी, उन्होंने अधिकारियों के भी फेंक के अपना जूता जब मारा था। अगर हमारी बात ऐसे नहीं बनेगी तो हम वही पद्धति लागू करेंगे जो 1997 में हमने लागू करी थी। जूते चप्पल चलाएंगे, डंडे चलाएंगे, लाठी चलाएंगे और सड़कों पर लेट जाएंगे, चाहे हमारी जान क्यों ना चली जाए, लेकिन हम प्रेरणा भगा के मानेंगे, भगा के मानेंगे, भगा के मानेंगे। हम लोगों की जो हम लोग ईमानदारी पे, एक तो कर्तव्य निष्ठा पे, ईमानदारी पे जो है दोष लगाया जा रहा है, जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके प्रति हम लोग को चोट ठहराया जा रहा है। पहली बात तो हमारी मोदी सरकार ये कह रही है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। जब आपका मोटिव ही शिक्षा और स्वास्थ्य है तो आप शिक्षकों को बदनाम क्यों कर रहे हैं? आप कह रहे हैं प्रेरणा ऐप लागू, प्रेरणा ऐप लागू करने की पहली बात जरूरत क्यों पड़ी है? अगर आपको हमारी हाजिरी चाहिए तो आप बायोमेट्रिक लगाइए, सब चीज़ लगाइए, मगर आप ही के कार्यों को हम कर रहे हैं उसमें बहुत सी खामियाँ हैं जो आप ही के द्वारा दी गई हैं। आप अपने ही कार्यों के द्वारा हम लोगों को शिक्षक से हटा रहे हैं, ये हम बिल्कुल सत्य बता रहे हैं। आपके इस प्रेरणा ऐप से हम अध्यापक शिक्षण कार्य से दूर होते जा रहे हैं, जो हम कभी नहीं होने देंगे, क्योंकि हमने अपना शिक्षक का जॉब इसीलिए चुना है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और मान बनाएंगे। गरीब परिवारों के बच्चे हैं ये, आपके प्रेरणा ऐप के चक्कर में हम उन बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होने देंगे। वहीं संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद गंगवार ने बताया, हमारा एक ही मांग है, प्रेरणा ऐप का हम जो विरोध कर रहे हैं इसे किसी कीमत पर लागू नहीं होने देंगे। इससे एक तो व्यवहारिक दिक्कतें हैं, दूसरा ये है कि जब सरकार ही शिक्षक पर भरोसा नहीं कर पा रही है तो हम जो है जो पढ़ाने वाले बच्चे और उनके अभिभावक वो हम पर कैसे विश्वास करेंगे? तो एक तरह से हम पे ये या तो हर विभाग में ये लागू हो, दूसरा ये है कि आज तक सरकार जो है जो उसे सत्र प्रारंभ होते ही निःशुल्क पुस्तक वितरण है, निःशुल्क ड्रेस है कितना, और जो है जूते मोजे हैं, बैग हैं, वो आज तक पूरे नहीं कर पाई है सरकार। अरे अपना जो काम है उसकी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो तो पूरी कर नहीं पा रही है, लेकिन हमें एक टारगेट बना रखा है, काम चोर साबित करने का प्रयास किया जा रहा है, और ये एक ये हमने लग रही है एक हमारे जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंच रही है कि वास्तव में ये जो समाज का सबसे इज्जतदार और ईमानदार तबका है उसकी देखरेख प्रेरणा ऐप के माध्यम से एक बदनाम और भ्रष्ट विभाग के द्वारा की जाएगी, तो ये भी हमें एक देखा जा रहा है कि हमें ये एक तकलीफ हो रही है। नहीं ये लागू नहीं, हमने हमारा जो भी प्रदेश नेतृत्व जो भी आह्वान करेगा उसको करेंगे। हमारा ये तीसरा चरण है, पहला हमने 2 सितंबर से लेके 5 सितंबर तक काली पट्टी बांधकर विद्यालय में शिक्षण कार्य किया था, और 19 से 23 सितंबर को हमने सभी विकास खंडों में खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर इसी तरह धरना प्रदर्शन देकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा था, और ये हमारी आदतन चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक ये सरकार नहीं चुकेगी, इसे वापस नहीं लेगी, तब तक हमारा जो है संघर्ष जारी रहेगा।
बाकरगंज खड्ड पर कूड़ा डालने गई ट्राली ने अंधेड़ को दबाया, जमकर हुआ हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। पिछले कई वर्षों से शहर का कूड़ा बाकरगंज में पड़ता आ रहा है। नगर निगम द्वारा इस कूड़े के निस्तारण करने के लिए गुजरात की कंपनी को वेस्ट मटेरियल प्लांट लगाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन वह प्लांट आज केवल सफेद हाथी की तरह खड़ा हुआ नजर आ रहा है। काफी प्रयासों के बाद भी इसका समाधान नहीं होता नजर आ रहा है। सोमवार को नगर निगम कर्मचारियों के द्वारा कूड़ा डालने के लिए ट्राली से वहां जाया जा रहा था। जनता का आरोप है कि वह कूड़ा सड़क पर ही डालकर जा रहे थे, जिसका वहीं के रहने वाले हाफिज ने विरोध किया, जिसको लेकर गुस्सा ट्राली चालक ने हाफिज के पैर के ऊपर से ही ट्राली का पहिया उतार दिया, जिससे वह घायल हो गया और ट्राली चालक मौके से फरार हो गया। सूचना जब क्षेत्र में फैली तो वहां काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी हो गई। जब 100 डायल पर फोन किया गया तो पुलिस मौके पर पहुंची और गाड़ी से ही अपनी हाफिज को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद हफीज। जी बताइए। मोहम्मद हफीज जी बताइए, क्या परेशानी? परेशानी कूड़े को मना करा था साहब, मना करते के साथ ही उसने ट्रैक्टर पे रानों पे चढ़ाया, ट्राली पंजों पे चढ़ाई और गिरा के भाग गया। कहाँ रहते हैं आप? बाकरगंज, जहाँ से कूड़े की ट्रालियाँ खट के ऊपर चढ़ती हैं, वहीं हमारा खतरा भी है दुकान से। इससे पहले हमारी दीवार खसा दी थी 2-3 महीने पे होकर। किसने खसा दी? डेयरी नगर निगम के ट्राली वालों ने। हमें इनसे बहुत बड़ा खतरा है साहब, हमारा मकान वहीं है, हम कहाँ जाएँ बताइए, हम गरीब आदमी। इस बारे में नगर निगम कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए लोगों ने बताया। मेरा नाम यावर हुसैन। क्या हुआ आज? ये ट्राली कूड़ा डालने थे रोड पे, उन्होंने कहा आगे बढ़ा के डाल दो अगर डालना है तो, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यहीं पड़ेगा, तुम्हारे बाप का रोड नहीं है। इस तरीके से वो फिर कूड़ा डाल के आगे को लेके गए, फिर बाद में पता लगा चढ़ा के चले गए। बहुत तेजी में गए ये लोग ट्राली वाले लेके। किसके ऊपर चढ़ा गए? ये हफीज टाल वालों के ऊपर। अच्छा अच्छा, तो उनको प्रॉब्लम क्या हुई? उनके पैरों पे चढ़ी है वो ट्राली, अब क्या मालूम क्या दोनों पैरों पे? जी दोनों पैरों पे। डॉक्टर बताएगा क्या कहाँ पे चोट है, क्या है, सब सालों की है, कैसी चोट है, क्या है, क्योंकि वो ले गए सारे जी। अक्सर ऐसे ही होता क्या? जी आगे ये दीवार तोड़, एक दफे वहाँ से ट्राली सीधी आके यहाँ ठोकी, ये दीवार टूटी हुई है, एक दफे उनके घर में घुस गई। उसकी कभी शिकायत करी आपने? जी बहुत दफे करी है शिकायत। अरे शिकायत करने के लिए मुकदमा चल रहा है हम लोगों के पर, कई लोगों पर, सात लोग 10 साल से मुकदमा चल रहे हैं, और जिनको चोट आई है उनके ऊपर भी मुकदमा है। समस्या नगर निगम का कूड़ा पड़ता, पहले कुछ दिनों पहले ट्राली से दीवार फंसा दी थी हमारी, फिर आज जब कूड़े को मना करा रोड के इस पार तक डाल दिया है कूड़ा, आप देख सकते हैं उसको, और ट्राली चढ़ा दी देखो यहाँ पर भी पैरों में यहाँ। अब लाख की 1 किलो अफीम के साथ 5 लोगों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बरेली के अलीगंज पुलिस ने आज अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 कारों में सवार 5 लोगों को 50 लाख की 1 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। वहीं फतेहगंज पश्चिमी पुलिस ने 35 लाख की 350 ग्राम स्मैक के साथ 1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सूत्रों की सूचना पर अलीगंज थाने की पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी कर रहे 2 कारों को घेर कर उनको काफी सघन तलाशी ली, जिसमें 5 लोगों की तलाशी ली गई तो उनके पास से 1 किलो अफीम बरामद हुई है, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख बताई जा रही है। फतेहगंज पुलिस ने एक तस्कर को 35 लाख की 350 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार किया। यह तस्कर स्मैक लेकर देहरादून जा रहा था, वहीं इसका खुलासा SP ग्रामीण संसार सिंह ने बताया।
अलीगंज में दो कारों को चेक किया गया जो चंडीगढ़ के नंबर की कारें थी, उनमें से 5 आदमी मिले जिनके पास से कुल मिलाकर 1 किलो अफीम जिसकी मार्केट में कीमत करीब 50 लाख है बरामद हुई। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, इनका रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। पहले ये कितनी बार पकड़े गए हैं, कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, क्या इनका रैकेट है और इसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इसमें एक तस्कर है फतेहगंज पश्चिमी में पकड़ा है, 350 ग्राम स्मैक मिली है इस पर, जिसकी करीब 35 लाख रुपए कीमत है। ये इसे देहरादून ले जा रहा था, यहाँ पर कहाँ से लाया ये सब है, इससे जानकारी की गई है। जहाँ से ले जा रहा था, जिसने इसे दी थी, उसके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाएगी और इसके खिलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। वो पता करा जा रहा है इसका रिकॉर्ड क्या है, प्रीवियस रिकॉर्ड इसका जरूर निकलेगा, तो तब पता चला कितनी बार ये पहले यहाँ आ चुका है, क्या किया इसे। 35 लाख रुपये। एक विशेष सूचना, सिटी न्यूज को आप अपने मोबाइल के YouTube पर भी जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिटी न्यूज में खबर देने के लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क करें, हमारा फोन नंबर है 9760095470 या हमारे कार्यालय पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है सिटी न्यूज बरेली, निकट गंगाशील हॉस्पिटल, DD पुरम बरेली। समाचारों का सिलसिला यहीं खत्म होता है, अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।